नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे मार्की टूल, HTML में मार्की टूल कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ओके फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम अपने टेक्स्ट एडिटर खोल देते हैं। टेक्स्ट एडिटर में पहले मैंने टाइप किया है। ओके, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। ओके, हमें टाइप करना है मार्की, MARQUEE। इसको क्लोज किया, इसका ऑटो जो है बाई डिफ़ॉल्ट इनटेक आ गया। उसके बीच में हम लिखते हैं हेलो फ्रेंड्स। ओके, इसको हमने सेव किया, अपने ब्राउजर में जाकर देखेंगे। ये देखिए, हेलो फ्रेंड्स। ओके, तो आप देख सकते हैं हेलो फ्रेंड्स का मार्की टूल, ये एक नन्हा सा मुन्नस। ओके, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। इसका स्पीड कम बेसी, इसका डायरेक्शन, इसका बैकग्राउंड कलर, इसका बिहेवियर, इसका हाइट, इसकी विथ, इसका एच स्पेस, लुक, स्क्रॉल अमाउंट, स्क्रॉल डिले, ट्रांसपेट, बी स्पेस, सब हम चेंज करके आपको दिखाएंगे। तो पहले हम इसका बिहेवियर हम चेंज करते हैं। ओके, तो कुछ नहीं, बस स्पेस देके लिखना है बिहेवियर, BEHAVIOR। ओके, बिहेवियर। और पहले हम अल्टरनेट कर रहे हैं, तो अल्टरनेट करके रिफ्रेश करके हम अपने ब्राउज़र में देखेंगे। देखिए आ रहा, देखिए अल्टरनेट करने पर ये फिर अपना एंड जहाँ तक लास्ट इसका है पहुँच कर फिर वह वापस चला गया। फिर लास्ट राइट में जाकर फिर ये लेफ्ट की तरफ आएगा। ओके, ये आप अल्टरनेट देख लिए। अब अल्टरनेट को हटाकर हम स्लाइड कर रहे हैं, SLIDE स्लाइड। सेव किया कंट्रोल एस से और रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आ रहा है। आके रुक गया, ये स्पाइस टूल था। ओके, अब हम करेंगे स्क्रॉल, सेव, ब्राउजर रिफ्रेश। ओके, तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। ये हमने इसको सीख लिया। अब इसको हटाते हैं बिहेवियर को, अब डायरेक्शन हम सीखेंगे। डायरेक्शन डायरेक्शन हम इसको पहले इसमें चार आता है, ठीक है। अगर हम डाउन करेंगे तो ये नीचे से आएगा ऊपर, अगर हम लेफ्ट करेंगे तो ये लेफ्ट साइड से आएगा, अगर राइट करेंगे तो ये राइट साइड से आएगा, अप करेंगे तो ऊपर से आएगा। ओके, तो चलिए हम राइट करके दिखा रहे हैं आपको। देखिए राइट की तरफ जा रहा है। अप करेंगे,
तो ये डाउन से अप अप करेंगे तो ये डाउन से अप जाएगा, और डाउन करेंगे तो अप से डाउन जाएगा, लेफ्ट करेंगे तो राइट से लेफ्ट जाएगा, और राइट करेंगे तो ये लेफ्ट से राइट जाएगा। ओके इसको हम भी डायरेक्शन हमने सीख लिया। अब हम करते हैं बीजी कलर यानी बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर हम रेड देते हैं। ओके देखिए ये बैकग्राउंड रेड। ओके तो बैकग्राउंड भी हमने देख लिया। अब इसका हम हाइट चेंज करते हैं। हाइट हम देंगे 10 पिक्सल। देखिए इसका हाइट हमको बढ़ाना होगा। बीस पिक्सल इसकी जो हाइट है बढ़ गई है। हम अगर हम इसका विड्थ चेंज कर दें, चौड़ाई विड्थ विड्थ हमने 20 पिक्सल किया, नहीं विड्थ हमने 20 पिक्सल किया। तो अब देखिए आप देख सकते हैं। यह हमने 50 पिक्सल करके देख रहे हैं। ये 50 पिक्सल ही लेगा। ओके ना आधार कार्ड जरूरी होगा ना, तब कोई संभव नहीं है। अब हम इसका स्क्रॉल अमाउंट चेक करें चेंज करेंगे। ओके तो स्क्रॉल अमाउंट हम स्क्रॉल अमाउंट में दे रहे हैं 10। ये 10 के स्पीड में है। अगर हम सॉरी 50 कर दे रहे हैं तो आप देख सकते हैं इसकी स्पीड। इसका स्पीड आप देख सकते हैं स्क्रॉल अमाउंट चेंज करने से इसका स्पीड बढ़ गया। ओके स्क्रॉल डिले करेंगे। पहले 20 करते हैं। यानी 20 सेकेंड। ओके उतना लेट से जाएगा। अगर हम 50 कर दे रहे हैं फिर इस देखिए जितना हम इसको बढ़ाएंगे उतना इसका गति जो है स्लो होगा। तो आज इसका प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।